हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब ने टाइटल में देखा होगा कि कोई भी कीपैड मोबाइल को रजिस्टर कैसे करें एक सिंपल कोड की मदद से, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल में अगर आप नहीं हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर फिर आप अपने कीपैड मोबाइल में डायल कीजिएगा *#06#। उसके बाद जो IMEI नंबर आएगा उसको आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी के करने के बाद आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। उसके बाद उसमें लिखना है IMEI स्पेस INFO, सर्च बार पे क्लिक कीजिएगा। जो पहला ऑफिशियल वेबसाइट आएगा उसको फिर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो IMEI नंबर कॉपी किए थे उसकी पेड मोबाइल का, तो उसमें लिख देना है। उसके बाद IMNOT पे क्लिक कीजिएगा। सॉरी तरह मेरा आज नेट स्लो है। उसके बाद चेक पे क्लिक कीजिएगा। देखिए मेरा सैमसंग का फ़ोन है तो ये आ गया, और ये सैमसंग का फ़ोन है। आप इसको सबसे स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको ये हार्ड रीसेट पोर्ट जो है ना उस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद नीचे कीजिएगा। उसके बाद जो ये जो कोड आएगा ये कोड को आप लिख लीजिएगा, और उसके बाद आप अपना कीपैड मोबाइल में इस कोड को डायल कीजिएगा। डायल करने के बाद आप ओके कीजिएगा तो ये मोबाइल का लॉक मोबाइल रिस्टोर हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो हमें वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा वीडियो लगा।